बिजनौर के हल्दौर क्षेत्र में एक ही कोचिंग में पढ़ने गए 12वीं क्लास के छात्र पिंकू की उसी कोचिंग में पढ़ रहे छात्र से मामली कहासुनी को लेकर आरोपी छात्र ने पिंकू छात्र को चाकू से गोद डाला है। उधर इस मामले को लेकर एसपी सिटी दिनेश सिंह ने बताया कि पिंकू नाम के छात्र को उसी के दोस्त ने चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। आरोपी छात्र घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। आरोपी छात्र के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी छात्र को पुलिस तलाश कर रही है। उधर गंभीर हालत में छात्र को मेरठ अस्पताल रेफर कर दिया गया है। उधर ट्यूशन पढ़ने के दौरान आरोपी छात्र ने चाकुओं से हमला कर अपने दोस्त को गंभीर रूप से घायल कर दिया। 4 दिनों से पुलिस की कार्रवाई हल्की दिखाई दे रही है। वहीं पीड़ित के पिता का कहना है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आत्महत्या कर लूंगा। देसा जी पूरा मामला बताइए, क्या पूरा मामला है? मैं डीएम आपको तैनात हूँ जी, और क्या बोला मेरा लड़के 8 तारीख में छक्के गया सुबह 9 बजे। हाँ सर। और वो सब टाके पाके भर गए, बड़े मुश्किल टाके भर गए। पुलिस ने यहाँ अस्पताल में 20,000 रुपया मांगे, मैंने भेज दिए। और सीओ साहब ने फोन रखा थाने को, तब टाकू के भर गया लड़के का, और इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं लड़का एडमिट हूँ, 20,000 रुपया लगा चुका हूँ। मैं गरीब आदमी हूँ। अब आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई चाहता हूँ। कार्रवाई नहीं तो आप क्या करें? नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँ या कुछ भी कर लूँगा।